अब इसके जो दलील यहां दी गई है वो बहुत अहम है। कुल लौ काना फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशूना मुतमईनीन, कह दीजिए अगर जमीन में फरिश्ते आबाद होते और चल रहे होते यहां पर इत्मीनान के साथ, लनज़्ज़लना अलैहिम मिन समाए मलक रसूला, तो फिर हम आसमान से उन पर किसी फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजते। यानी रसूल का काम यह हिदायत देना, बात समझाना, फिर अपनी जिंदगी में नमूना पेश करना। इंसानों के लिए फरिश्ता कैसे नमूना हो जाएगा? इंसानों के लिए तो इंसान नमूना होगा, फरिश्तों के लिए फरिश्ता नमूना होगा। फरिश्ता जो है आ भी जाए यहां पर तो कहेंगे साहब इसको तो ना खाने पीने की जरूरत है, ना इसका जोरू जाता है, इसको तो कोई जरूरियात ही नहीं है, ये ठीक ठीक आदमी है और ठीक ठीक इसका किरदार है, तो ठीक है हम कैसे करें, हमारे तो जोरू जाता है, हमारा रिश्ता है, हमारे बच्चे हैं, हमें पेट लगा हुआ है, हमें ये है, हमें वो है। तो इंसानों के ऊपर हुज्जत कायम करने के लिए तो जाहिर बात है कि इंसान ही रसूल भेजे जा सकते हैं। हाँ फरिश्ते आबाद होते तो फरिश्ते को भेज देते। قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم। اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ, بہت رد و قضا ہو چکی ہے, اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے۔ انه كان بعباده خبيرا بصيرا, اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, باخبر ہے, میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔